इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर जी हैं, उनसे बात करते हैं। अली अनवर जी, बताइएगा कि क्या लालू प्रसाद जी से मुलाकात करने की आए? देखिए, हम लोग दूसरे प्रयोजन से आए हैं और मुलाकात करने वाले हमारे वकील साहब हैं। अब ये है कि हम लोग एक ही धारा के लोग हैं, तो उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिया। तो स्वास्थ्य मैंने कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं और बाईपास सर्जरी हुआ है, और उनका फिटेस्ट केस है कि उनको जमानत मिल जानी चाहिए, और हमको उम्मीद है कि ऊपर के न्यायालय से उनको न्याय मिलेगा। और एक बीमार आदमी को इतनी सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। और दूसरी बात ये है, जहाँ तक मुकदमे की बात है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटिकली उनको टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट उनको ही नहीं, उनके पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो तरीका है मोदी जी का, अमित शाह जी का। और अगर लालू जी अगर संघ परिवार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, तो उनको टारगेट नहीं किया जाता। ये तो सब लोगों को, आम लोगों को, एक ले मैन को भी ये समझ में आ गया है कि इनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हम तो कहने आए हैं कि भाई कोई बपौती सत्ता जो है, बपौती किसी की तो है नहीं, आज है कल नहीं रहेंगे, तो किराएदार हैं। और अमित शाह जी कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे, तो अब देखिए, अब किराएदार का 50 साल रहेंगे तो ये जोरे जबरदस्ती ना, तो देश की जनता इलाज तो कर देगी। अब समय कम है, परेशान तो सिर्फ मोदी जी नहीं, नीतीश जी भी कर रहे हैं यार। देखिए, नीतीश जी के हम लोग इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि उनको तो अपना कोई कुछ अब बचा नहीं, तो उनके बारे में क्या कहें। असल तो जो कुछ भी उनका, उनके पास है, वो भाया मोदी जी है, समझ रहे हैं ना। नीतीश जी का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं है, इसलिए जनाधार, जिस नेता का जनाधार खत्म हो जाता है उसका कोई ये नहीं होता है। एक समय था कि उन्होंने तिनका तिनका जोड़ करके एक जनाधार बनाया था, लेकिन बीजेपी में जब गए फिर से, तो वो सब लोग समझ गए। अब तो समय के इंतजार में है कि कब 19 का चुनाव आवे, तो चुनाव आवे तो इनके साथ साथ इनको भी बहा ले जाएगा, वो जो बाढ़ आएगी उसमें दोनों बह जाएंगे। बाढ़ कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं बहा रहे हैं। देखिए, वो एक बार बहार कह करके, तो आप जान लीजिए, अंग्रेजी में कहावत है कि वन कैन चीट सम फॉर ऑल टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट वन कैन नॉट चीट ऑल फॉर ऑल टाइम। चाहे नीतीश जी हों, चाहे मोदी जी हों, आप कुछ लोगों को तो हमेशा चीट कर सकते हैं, लेकिन सबको हमेशा चीट नहीं कर सकते हैं। तो अब वही स्थिति है। आप राजद में मतलब पूरी तरह से आ सकते हैं? नहीं, देखिए, हम तो समाजवादी धारा, वामपंथी धारा, हम तो उसी धारा के छात्र जीवन से ही, और हम तो चाहते हैं कि जितने भी समाजवादी हैं, जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी गांधीवादी हैं, जितने भी अंबेडकरवादी हैं, सब लोग मिलजुल करके, और इस, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है, मोदी जी का खतरा कोई साधारण खतरा नहीं है, वो संविधान को तहस नहस करना चाहते हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, CBI है, ED है, रिजर्व बैंक है, या आपने देखा कि ये डाटा जो इकट्ठा करने वाले SSO है, उसके डाटा को जो बाद में लीक किया आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी, तो उस डाटा को भी ये, उसका दो दो अधिकारी, चेयरमैन और एक अधिकारी, इस्तीफा कर दिया।
तो इस तरह से सारे इंस्टीट्यूशन को, इवन सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का चार जजेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई संविधान को और ये न्यायालय की स्वतंत्रता को बचाने का सवाल है, तो ये तो मोदी जी अमित शाह जी ने कर रहे हैं, तो वही लालू जी भी उसके विक्टिम हो रहे हैं। तो एक चीज तो लालू जी ने साबित कर दिया है कि भाई हम आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहेंगे और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी हो हम देंगे, कुर्बानी दे रहे हैं। तो लेकिन जनता अब समझ गई है और समय अब कम है, इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। चुनाव का घोषणा जब ही होगा आप देखिएगा, ऐसा तूफान उठेगा, ऐसा बवंडर उठेगा जिसमें तिनका की तरह से ये अमित शाह जी और मोदी जी उड़ जाएंगे। तो बिल्कुल, ये थे अली अनवर जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी और कहा कि आने वाले चुनाव में एक बवंडर उठेगा और तमाम जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। सनी सारत, एबी न्यूज़, रांची।